नमस्कार दोस्तों, आज हम शेफ हरपाल के किचन में एक बिहारी घरेलू मिष्ठान बनाने वाले हैं जिसका नाम ठेकुआ है और इसे हम खमौनी भी बोलते हैं। ये बिहार के हर घर में किसी भी त्योहार किसी भी पर्व में बनता है। यह बहुत ही सरल और स्वादिष्ट मिष्ठान है। चलिए इसके बनाने की विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए आटा, ये तकरीबन 1½ कप आटा है। इसे एक हम बड़े से बोल में डाल देंगे। छोटी इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, थोड़ा नारियल कटा हुआ नारियल 1 से 2 चम्मच, और मोइन करने के लिए घी। इसे हम अब अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें डालेंगे गुड़ का पानी, ये हल्का गर्म गुड़ का पानी है। इसे हमें डो फॉर्म में बनाना है, इसलिए देखिएगा ज्यादा पानी नहीं जाए वरना डो नहीं बन पाएगा इसका। ये हो गया हमारा आटा तैयार ठेकुए का। देखिए इसका टेक्सचर कैसा है, ये बहुत मुलायम नहीं होना चाहिए और बहुत कड़ा भी नहीं होना चाहिए। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, राउंड राउंड। ये थोड़ा पेड़े के शेप का होना चाहिए ऐसा। ये हमारा पेड़ा बन चुका है, देखिए। अब इसमें हम पैटर्न देंगे, कोई सा भी आप पैटर्न का ये ले लीजिए। इस प्रकार पैटर्न देंगे हम दोनों साइड से। देखिए हमने इसमें एक पैटर्न दे दिया है। अब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे, रिफाइंड ऑयल में। अगर आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। वहाँ तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे एक एक करके। इसे धीमी आंच पे पकाएं, ज्यादा आंच तेज नहीं होना चाहिए वरना ये पकेगा नहीं अच्छी तरह से अंदर से। ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। हमारा ठेकुआ बन चुका है, अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। उसके लिए एक अच्छी सी सफेद प्लेट लीजिए। इसके ऊपर थोड़ा छोटी इलायची पाउडर और कुछ कटे हुए बादाम। ये हमारा ठेकुआ तैयार हो गया है। रवा खाई, अपन दोस्त सबके खिलाई। जैसा मैंने पहले बोला था, बहुत ही सरल बनाने का तरीका इसका है। जितना ही सरल है उतना ही स्वादिष्ट ये खाने में लगता है।